अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज, एब्रीवेशंस और अगर पॉसिबली फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी तो हम उनको भी कवर करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पहला हमारे पास यहाँ पे है द C++ हेडर फाइल कंटेन फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो ये हमने देखा था कि यहाँ पे हेडर फाइल का जो फंक्शन होता है वो होता है आईओ स्ट्रीम, जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए हमने देखा था मेनली। और ये क्वेश्चंस, ये सारे एमसीक्यूज उन्हीं बच्चों को समझ आएंगे जिन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल से समझा था, पूरे पूरे लेक्चर्स लिए थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाले जो C++ के लेक्चर्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई मस्ट से कि 60% सिलेबस आपका इन्हीं लैंग्वेज बेस्ड ही आता है। C++ को आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको वो करना ही है और उसको डिटेल से समझना है। सिर्फ रट्टा वेकेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑपरेटर इज यूज फॉर इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट के लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेस देन के साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास तरह से आ गया गेट स्टैंड्स फॉर। ये भी हमने देखा था कि ये किस लिए आता है, गेट स्ट्रिंग डेटा के लिए आता है, डेटा टाइप के लिए आता है, ठीक है। इसके भी हमने काफी सारे देखे थे। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया गेट सी एच जो है वो, और गेट सी एच ई बेसिकली क्या है, इंक्लाइंड इन हेडर फाइल्स, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, कॉनियो डॉट एच लगाते हैं, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि कॉनियो डॉट और एस टी डी आई ओ डॉट एच में जो है वो ज्यादा मतलब वर्बली तो आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन लिखा हुआ एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बस सी एस को देख के ही टिक कर देते हैं। तो आपने अच्छे से देखना है, डॉट देखना है, क्योंकि अक्सर टाइम ये होता है कि जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस होते हैं वो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। लाइक ये जो डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है डॉट, वो एच के बाद भी आ सकता है, तो आपने इसको केयरफुल होके लगाना है, ठीक है। विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर लॉजिक एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का हमने देखा था क्या साइन होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज करेक्ट टू कम्पेयर टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स किस में आते हैं, बी एंड सी में। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों जो है हमने देखे थे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू देखे थे, ये दोनों हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में देखे थे। बाकी ये वाला जो है वो ये नॉर्मल इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड प्रेसिंग एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये हमारे पास आ जाता है गेट चार। गेट चार की फुल फॉर्म भी देखी थी, करेक्टरिस्टिक की शॉर्ट फॉर्म होती है गेट चार। ये वाला हमारे पास जो साइन होता है ये किस ऑपरेटर से बिलोंग करता है, किस टाइप के ऑपरेटर से बिलोंग करता है, तो ये आ जाता है हमारे पास रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर को हमने डिटेल से देखा था कि बेसिकली होते क्या है, इनके फंक्शन क्या होते हैं और किस तरह से ये सिम्बॉलिकली लिखे जाते हैं। विच ऑपरेटर एड द फर्स्ट ऑपरेंड टू द सेकेंड ऑपरेंड। ये भी हमने देखा था लेफ्ट और राइट कौन से ऑपरेंड होते हैं और उनको अगर हम ऐड सबट्रैक्ट कराएंगे तो आंसर कहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो ये आ गया गिव द रिजल्ट टू फर्स्ट ऑपरेंड। अब हमारे पास क्या आएगा, अगर हम ऐड कराएंगे तो फर्स्ट ऑपरेंड में आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको डिटेल से देखा था। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो इसका ये स्क्रीन का रिजल्ट क्या होगा, आपका एक फंक्शन बना के दिया हुआ है और इसका ये आंसर पूछ रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आपने मैथ्स की बेसिक्स पढ़ी हैं तो ये डी मैथ से ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, पहले हम करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, 3, और इसको हम 12 से जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 9, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 12 को 6 से पहले माइनस कर रहे होंगे मोस्टली बच्चे और फिर 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो आपका डेफिनेटली आंसर 3 ही आएगा। लेकिन आपने इसको डी मैथ्स के रूल के तहत सॉल्व करना है तो आपका 9 आंसर आ जाएगा, विच इज़ द राइट वन। बाकी आपके पास ये वाले एमसीक्यूज आ गए हैं द C++ प्रोग्राम कंटेन ऑफ डैश पार्ट। ये सारे मोस्टली थ्योरी बेस्ड ही होंगे। अब तो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके हमने पार्ट्स भी देखे थे। इट इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स लाइक आईओ स्ट्रीम एंड कॉनियो डॉट एच। तो ये क्या होता है, हैश इंक्लूड की हेडर फाइल्स के अंदर होता है, ठीक है। ये हमने देखा था जब हैश इंक्लूड पढ़ा था। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफायर, तो ये था नेम स्पेस। ये मोस्टली छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि टेस्ट हो रही हैं। द डैश इज फंक्शन इज कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ C++ प्रोग्राम, तो ये है मेन का फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है द कमेंट स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट दैट आर इग्नोर्ड बाय, हमने देखा था कंपाइलर। जब मैंने आपको डिटेल से समझाया था तो मैंने आपको उर्दू में भी बताया था कि कमेंट स्टेटमेंट बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि कंपाइलर जो है उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है। द डैश आर नॉट एग्जीक्यूटेबल,
क्या चीज़ होती है जो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। कमेंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, उसकी वजह यह है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता कंपाइलर, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है कमेंट स्टेटमेंट्स को। और ये होती किस लिए है, ये भी मैंने उसको डिटेल से आपकी थ्योरी की क्लास में समझाया था। डैश इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल दैट कंटेन डेफिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो ये क्या होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन आई ओ स्ट्रीम होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सी आउट इज डैश एन ऑब्जेक्ट आउटपुट, ठीक है, ये हमने देखा था सी और आउटपुट का आउट लगा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा डैश इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट थ्रू द आउटपुट डिवाइस लाइक मोनिटर, ये भी हमने देखा था, ये एसी का फंक्शन होता है जो कि आपको मॉनिटर पे रिजल्ट शो कराता है, ठीक है। डैश इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन एंड इट इज़ इंक्लूड इन stdio header files। तो ये होता है puts का फंक्शन, ठीक है, ये स्ट्रिंग फंक्शन के तौर पर जो है हमारे पास ये यूज़ हो रहा होता है C++ में। sin works as dash object in C++। तो ये है इनपुट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये MCQs हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। स्टेटमेंट ट्रांसमीटर ये हमने देखा था, स्टेटमेंट ट्रांसमीटर क्या होता है और इसका सिंबल भी देखा था थ्योरी में, बहुत जगह पे आपके पास ये आया भी था। इज़ यूज फॉर स्टेटमेंट डैश इन सी प्रोग्रामिंग, ये मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट ट्रांसमीटर जो है बेसिकली स्टेटमेंट ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एंड हो गई है और नेक्स्ट लाइन से जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है वो न्यू स्टेटमेंट के तौर पर आपके पास वर्क करती है। इसकेव सीक्वेंस इज़ आर डैश करेक्टर नॉन प्रिंटेबल, जो है ये करेक्टर्स होते हैं। उसके अलावा स्केप सीक्वेंस इज़ यूज ओनली विद डैश स्टेटमेंट सी आउट, ठीक है। ये सारे अगर आप पॉइंट्स भी याद कर लें तो आपके पास अच्छी खासी 5-6 लाइन्स की डेफिनेशंस बन जाएंगी ईच टर्म की। दीज आर स्पेशल सिम्बल्स यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो ये होते हैं ऑपरेटर्स जो कि हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग लगा रहे होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट डिजायर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग लगा रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं। ईच स्केप सिक्वेंस मस्ट स्टार्ट विद बैक स्लैश, ठीक है, हमने देखा था बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद थी बैक स्लैश के साथ और उनके फंक्शन एक्सप्लेनेशन भी आपको शो कराए थे। मल्टी लाइन कमेंट बीइंग्स विद द करेक्टर सेट्स, ये हमने देखा था कि मल्टी लाइन के लिए हमारे पास इस तरह का ये यूज़ होता है, ठीक है। stdio.h इज डैश फाइल हेडर फाइल, फिंगर टिप्स पे याद हो गई होंगी। एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन होता है, मेन का फंक्शन होता है सबसे पहले जो कि हमें बताना होता है, डिफाइन करना होता है, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम आगे वर्क कर पाता है। इन दिस स्टेटमेंट इन मेन void, द सेकेंड void इज argument, ठीक है। द हैश सिंबल इज कॉल्ड डैश directives, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। ऑल C++ स्टेटमेंट मस्ट एंड विद सेमी कॉलोन, ये जो है वही बात करी गई है लेकिन डिफरेंट वर्डिंग में। मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत सारे MCQs ऐसे होते हैं जो आपको डिफरेंट लगते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन अगर आप उसको गौर से पढ़ें और समझ के चीज़ें याद करें तो आपको वो कन्फ्यूजिंग नहीं लगेंगे। दिस इज़ अ स्टेटमेंट ट्रांसमीटर, स्टेटमेंट ट्रांसमीटर क्या होता है, देखें आप एक ही चीज़ को 3 डिफरेंट वे में पूछा गया है, जिसने अगर एक सेंटेंस अच्छे से पढ़ा होगा उसके ये 3 MCQs हलवा होंगे उसके लिए, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट रिटन इन C++ विद डैश सिंबल, डबल बैक स्लैश के साथ ये लिखा जाता है। उसके अलावा गेट CH फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट डाटा टाइप, ठीक है, तो ये आ जाता है नन, उसकी वजह यह है कि गेट CH जो है बेसिकली करेक्टर इंटीजर और फ्लोट के लिए नहीं होता, एस जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। गेट CHE फंक्शन गेट अ करेक्टर एंड करेक्टर डिस्प्ले, ठीक है, गेट CHE बेसिकली जो है वो करेक्टर डिस्प्ले के लिए भी फंक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिन स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर डाटा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, तो ये इनपुट डिवाइस ऑलरेडी बोल रहा है तो सिन जो है बेसिकली इनपुट के लिए ही यूज़ हो रहा होता है। इन विच ग्लो लॉजिकल ऑपरेटर द रिजल्ट ऑपरेटर विल बी ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये होता है एंड, एंड के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है अदरवाइज वो आपको फॉल्स आंसर कर देगा। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर टेक ऑपरेंड, कितने ऑपरेंड लेता है, 2, 3 या 4, तो ये आ जाएगा नन ऑफ देम, क्योंकि नॉट ऑपरेटर जो है बेसिकली इन तीनों में से कोई भी ऑपरेंड पे वर्क नहीं करता। द रिमाइंडर ऑपरेटर है
परसेंटेज रिक्वायर्स दैट बोथ ऑपरेंड मस्ट बी इंटीजर. ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए इंटीजर होना लाजमी है. रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू टू ऑपरेंड कंपेयर करते हैं. हमने देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर की ये क्वालिटी होती है कि वो जो है दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करके आंसर करता है, रिजल्ट करता है. ठीक है, द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेट ऑन ओनली वन ऑपरेंड एंड आर कॉल्ड यूनिटरी. ठीक है, हमने देखा था इसको स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ही, स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में ही हमारे पास ये आ गया था, बात क्लियर हो गई थी. बैक स्लैश एन एस्केप इज यूज टू मूव द कर्सर. तो ये हमारे पास कहाँ ले जाता है, न्यू लाइन पर ले जाता है. इक्वालिटी ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, हमने देखा था ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर. लेस देन इज इक्वल टू इंसर्शन ऑपरेटर. उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यूज वेरिएबल्स. तो ये हमने देखा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही वर्क करते हैं. उसके बाद इफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर अ वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट. ठीक है, जब वेरिएबल के बाद लिखे जाएंगे तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएंगे, और वेरिएबल से पहले लिखे जाएंगे तो प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट हो जाएंगे. उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैप सीक्वेंस रिप्रेजेंट द कैरेज रिटर्न. तो ये रिटर्न के लिए हमारे पास बैक स्लैश आर आता है. विच व्हाट वैल्यू डज द वेरिएबल हैव आफ्टर ऑल ऑफ द कोड एग्जीक्यूट्स. तो ये हमारे पास कुछ कोड दिया हुआ है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या बताई गई है, ए की वैल्यू बता दी गई है 1 और बी की हमारे पास इंक्रीमेंट लगा दिया गया है. तो यानी कि हर उसमें हमने देखा था कि हर आंसर करने के बाद वो एक का इंक्रीमेंट करेगा जो भी हम इनिशियल वैल्यू देंगे. तो ये 1 के बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद 2 वैल्यू आएगी. दोज ऑपरेंड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड आर नोन एज बाइनरी. ठीक है, जहाँ पे दो ऑपरेंड यूज होंगे उसे हम कहेंगे बाइनरी, और जहाँ एक होगा उसे कहेंगे हम यूनरी. ब्लैंक्स आ गए हमारे पास, तो ये मोस्टली थ्योरी बेस्ड ही होंगी और काफ़ी सारे तो आपको डेफिनेशंस ही होंगी, एग्जैक्ट डेफिनेशंस होंगी. तो ये भी आपके लिए एमसीक्यूज के लिए, ब्लैंक्स के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. द सी प्लस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ये हमने पार्ट्स देखे थे. शॉर्ट के लिए भी आपके लिए एक रिवीजन है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं. प्री प्रोसेसर होता है, डायरेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर. ठीक है, मेन फंक्शन हेडर होता है और बॉडी प्रोग्राम होता है. उसके अलावा हैश इंक्लूड यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स लाइक आईओ स्ट्रीम कॉन्यू डॉट एच एक्सेट्रा. नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफायर. ये भी आपके पास बहुत ही मेन पॉइंट है, इसलिए मैं कहती हूँ ब्लैंक्स को भी मिस नहीं किया करें. द मेन फंक्शन इज़ कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ सी प्लस प्लस. ये बेसिकली एक तरह की आपके पास चैप्टर की समरी होती है. उसके अलावा हमारे पास है द कमेंट स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. उसके बाद द कमेंट स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेबल. ये हमने देखा भी था, अभी एमसीक्यूज में भी रिपीट हुआ है, थ्योरी में भी हमारे पास आया था, तो हमने इसको डिटेल से समझा था. आईओ स्ट्रीम इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल दैट कंटेन डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन. आउटपुट ऑब्जेक्ट काउट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर. ये दो पॉइंट आपके पास जो है वो काउट से रिलेटेड आ गए, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको मिस नहीं कर सकते. इज अ स्ट्रिंग फंक्शन एंड इंक्लूड इन एस टी डी आई और हेडर फाइल. सिन वर्क इज एन इनपुट ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस. स्टेटमेंट ट्रांसमीटर इज यूज टू स्टेटमेंट एंडिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग. स्कैप सीक्वेंस इज एन नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स. ये हमने देखा था कि ये प्रिंट नहीं करता, उसकी वजह भी हमने देखी थी. स्कैप सीक्वेंस इज यूज ओनली विथ काउंट स्टेटमेंट. ठीक है, ऑपरेंड आर स्पेशल सिंबल यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज. अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर या कैलकुलेशंस. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज इन टू डिफरेंट वेज इन प्रोग्रामिंग सच एज प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स. ये हमने देखा भी था, और इसी तरह से ये फिर क्या हो जाएंगे, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज. लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द ऑपरेशंस. रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स ऑन द डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स. तो ये थी आज की क्लास, आज की वीडियो, आज का लेक्चर. तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ ख़ास एब्रीवेशंस नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करी हैं. जो भी मेन एमसीक्यूज थे, ब्लैंक्स थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. ये थ्योरी के रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपने इसको मिस नहीं करना और फोकस होके पढ़ना है. ठीक है, आई रियली होप आपको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा. अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर होगा, न्यू क्लास होगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.